हेलो, सत श्री अकाल जी। तो कल हमने इस बच्चे के बारे में आपको एक वीडियो दिखाई थी, तो इस बच्चे की अपडेट लेके मैं दोबारा एक बार लाइव आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे कि दीदी आप इस बच्चे के बारे में ज़रूर बताना। तो ये आप सबने रात को वीडियो देखी होगी ना, एक पग ब्रीड की फ़ीमेल डॉग है जिसकी एज है 3 से 4 साल के आसपास। तो ये किसी ने डंप कर दिया है इसको। एक सेकेंड, नेट में दिक्कत है। एक मिनट, बस एक मिनट। तो फ़ोन कहाँ पे है? देखिए, उस पर लाइव चल रहा है, इंस्टा पे। फेसबुक पे। नेट की भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एक सेकेंड, कुछ लोग अभी कनेक्ट हो जाएं, देन बात करते हैं। क्योंकि जितनी पेन में ये बच्ची थी ना, क्योंकि जितनी पेन में बच्ची थी मेरे से भी नहीं रात को देखा गया, क्योंकि इसको इतने सारे टिक्स थे, इतने सारे टिक्स थे कि लाइक देख के बुरा हाल हो रहा था। एक बार इसके कान दिखाइए। आपने रात को इस बच्चे के कान देखे होंगे ना, कितने सारे टिक्स थे इसको। अभी देख लो, मैं आपको दवाई भी दिखा देती हूँ। अभी देखो, सारे टिक्स रिमूव हो गए हैं इसके। दोनों कान दिखा दो, ये देखो आराम से ऑलमोस्ट सारे टिक्स रिमूव हो गए। इसका पेट दिखाना, मैं आपको दवाई भी बता देती हूँ। ये इसका पेट देख लो, इसके पेट पे रात को कम से कम 100 टिक्स ऐसे लगे हुए थे। सारे टिक्स मर के खुद ब खुद गिर गए हैं। मैं आपको दवाई भी बता देती हूँ, छोड़ दे इसको। पहले से बच्ची बिल्कुल ठीक है। जूली 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 बेटा, कैमरे से नहीं आएगी फिर, तू खड़ जा जूली। ये मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बच्ची ना पूरी तरह से ब्लाइंड है, पूरी तरह से। जूली 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 जूली, ये ना अपना सिर हिलाती है वैसे। जूली हुई, जूली जूली जूली, मेरे बच्चे। ये आवाज़ सुन के मूव करती है। यस, हाँ जी। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्ची ठीक है क्या, तो मैं बता देना चाहती हूँ पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। आप सबकी ब्लेसिंग्स और उसकी क्या बोलते हैं, आप सबका जो एक आशीर्वाद रहता है इन बच्चों पे, उसकी वजह से बच्ची बिल्कुल ठीक है। कुंडी मार दियो बाहर से। और माने दवाई ले आई हो दोनों, कौन सी लगाई थी रात को? ये ना बच्ची कंप्लीटली ब्लाइंड है, इसको दिखता नहीं है। सो अपना इसको जहाँ जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ वहाँ ये मूव करती है। एक मिनट रुको रुको, जूली 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 जूली, मम्मा कितने जी, जूली जूली जूली। पता मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे को कल किसी का मैसेज आया था कि दीदी दीदी तो नहीं, मतलब दलजीत, आप इसको जूली बोल के देखना, क्योंकि कुछ साल पहले साबुन की डिब्बी लेके, मैं बताती हूँ फोटो है देखिए कैसे कर रही है। किसी का मैसेज आया था कि हमारे कुछ साल पहले एक जूली नाम की डॉग थी जो कोई उठा के ले गया था, तो हमें लग रहा है शायद हमारी ये जूली है, तो आप इसको जूली नाम से बुला के देखना। तो मैं इसको जूली ही बुला रही हूँ और ये रिवर्ट भी करती है। एंड एक चीज़ मैं और बता देना चाहती हूँ, रात को जब से इस बच्चे की वीडियो वायरल हुई है तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, ये हमारी डॉग है, किसी का आ रहा है कि मैं अडॉप्ट करूँगा। इवन मेरे घर में एक फैमिली आई थी शाम को अपने बच्चों के साथ, और उन्होंने मुझे ये बोला कि ये हमारी डॉग है, 3 साल पहले हमने ये किसी को असंध में दे दी थी लेकिन उन्होंने केयर नहीं की। तो मैंने उनको भी थोड़ा गुस्सा किया, मैंने कहा अब आपको वीडियो देख के याद आई है कि हमारी डॉग है, पहले तो मुझे प्रूफ चाहिए। मैंने कहा अगर आपकी है भी ना तो मैं आपको दूंगी नहीं, मुझे वो बंदा चाहिए जिसने 3 साल से इस बच्ची को टॉर्चर किया, इस बच्ची का इतना बुरा हाल किया, इतने सारे इसको टिक्स हो गए। ये थोड़ा कि एक ही दिन में सारे इसको हो गए होंगे। स्प्रे दिखाइयो, फिनरॉल स्प्रे, क्या क्या था दिखाइयो इधर। हमने रात को ये दवाई मंगवाई थी, ये स्प्रे है, आप देख लीजिए। और मैं फिर बोल रही हूँ जिन लोगों की, देखो इतनी औकात और इतनी हैसियत तो हर बंदे की होती है, नीचे रख दे, कि वो ये दवाई तो अफोर्ड कर ही सकता है। रुको, सीधी करिए इसको। मतलब वो लोग इतने क्या भाई, तुम इतनी महंगे महंगी चीज़ें खरीद सकते हो तो क्या ये दवाई आप मंगा के किसी बच्चे को लगा नहीं सकते क्या? और ये वाला सोप था,
जो हमने अपना रात को मंगवाया सुबह गर्म पानी से, बच्ची को पहले इस सोप से नहला के उसके बाद हमने ये स्प्रे लगाया, हमने कोई इसके अलावा कोई दवाई नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, सारे टिक्स खुद मर के खुद ब खुद गिर गए। जो कुछ अभी इसको ओनली ना 5% से भी कम होंगे तो ये अपना ठीक हो गई है। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपके आसपास गली में अगल बगल किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होती है ना भाई, तो आप ये दवाइयाँ खरीद के लगा दिया करो, हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, दूर दूर से लगा सकते हो, अगले की ज़िंदगी बच जाएगी। और जब उसकी ज़िंदगी बचेगी सोचो कि आपको कितनी दुआ मिलेगी। तो शाम को मेरे घर एक फैमिली आई तो वो बोले कि ये बच्ची हमारी है, 3 साल पहले हमने दे दी थी, हमारे घर बेबी हुआ था। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे थोड़ा होता है कि तुमने 3 साल पहले दे दी, मुझे तो सबसे पहले वो ओनर चाहिए जिसने इस बच्ची को इतने साल टॉर्चर किया। मैंने कहा वो ओनर मेरे पास लेके आओ, और मैं ये बच्ची ऐसे क्यों किसी को दूंगी, जब इतनी बुरी हालत में लोग फेंक के चले जाते हैं तब तुम्हें याद नहीं आता, 4-4 साल तुम बच्चे अपने ब्रीड्स के पहले लेके आते हो, फिर अपने रिश्तेदारों को सौंप देते हो, लो जी तुम पाल लो, रिश्तेदार अपने बाहर खुले एरिया में फेंक देते हैं। ब्राउनी बच्ची नॉइस को दिखता नहीं है बेचारी को, शी इज कम्प्लीटली ब्लाइंड। हमने इसका नाम ही जूली रख दिया है, और जूली का जिस भी फैमिली में मैं अडॉप्शन करवाऊंगी, बहुत अच्छी फैमिली में करवाऊंगी। जूली मेरा बच्चा, ओए जूली। और बच्ची की एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हद 4 साल है हद। स्प्रे कितने मैं दोबारा दिखा देनी हूँ, फिनरोल स्प्रे के डाइन, मैं तो नाम ही नहीं याद देता, फिप्रोनिल स्प्रे है। रात को मैंने डॉक्टर विकास को फ़ोन किया और रात को ये सामान लेके आए, फिप्रोनिल स्प्रे है ये। ये हमारी सुंदर सी बच्ची और ज़्यादा सुंदर होगी है, और थोड़े दिनों में और ज़्यादा सुंदर हो जाएगी सोनी बच्ची। और कोई मेरे घर बच्ची को लेने मत आ जाना, आना है तो विद प्रूफ्स आना। 3-4 साल की बच्ची ना, 4 साल के प्रूफ लेके आना, ये कहाँ थी। और सबसे पहले वो ओनर मिल जाए ना मेरे को, जुत्तियों से स्वागत करूँ मैं उसका। और जितने इसको जो वो कीड़े और चिचड़ लगे हुए थे ना, सारे उसकी टांगों पर लगाऊँ पहले मैं, चाहे मेरे को कहीं से उतार के क्यों ना लाने पड़े। सीरियसली मतलब हद है यार, बच्चों को मजाक ही समझ रखा क्या इन्होंने। मैं गाय सारे बच्चे नहीं दिखा रही क्योंकि मैं थकी पड़ी हूँ। मैं इसको कुरुक्षेत्र लेके गई थी आज, हे भगवान मेरे तो सांस ही चढ़ जा रहा है। और क्या कहते हैं, आपको मैंने लड्डू के बारे में भी पोस्ट डाली, लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है। ये हमारी, मैं टिंगू बाहर आ जा टिंग, क्योंकि वो पीरियड्स पे है ना, तो मैं किसी डॉग को अंदर नहीं जाने देना चाहती, खासकर मेल डॉग को। टिंगी बाहर चल, बाहर चल, इधर बाहर आ जा, तुम्हें ध्यान रखियो। जोई टिंग टिंग, ये जोई है, ये हमारी बिल्लो रानी। बिल्लो नहीं, बिल्लो मैनू तो ढिड छोटा लगन लग गया हूँ। ये डुग्गू बैठा हुआ है, नीचे नहीं मैं जा रही हूँ, ऊपर ऊपर वाले बच्चे दिखा रही हूँ। कल मैं आपको प्रॉपर लाइव आके सारे बच्चों की अपडेट दूंगी। मैं लड्डू के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। जा रहा कहाँ पे है, आहे इतनी कुंडी की दीवाज कर दी ना। जा रहा मम्मी कित, माने बाहर आई हो यार, इड्डी चलाक है ना, इड्डी चलाक है, जैसे दरवाजे खुलने की आवाज़ आई है ना, ये आ गई बड़ी। हम सोचते ना कुछ नहीं पता, बारा तालन नहीं जा रहा। ब्राउनिंग सारे एक से बढ़ के एक है, कोई कम नहीं। वो देखो दरवाजा खुलने लग गया ना, तो मैं ध्यान रखियो इसका। जा रहा परों पर जो अभी आ गई बड़ी चलाक है, पता बुआ खुलना तो पजाएंगी तो मैं बड़ी चलाक है, धोखा दे के उधर जा रही है। मैं एक मिनट लड्डू को दिखा रही हूँ, गाइस लड्डू की अपडेट देनी मेरे को, तो मैं तू उधर अपनी आँखें उसके पास गड़ा के रख। लड्डू इधर आओ, लड्डू मेरे बेबी। मैंने आज एक लड्डू की वीडियो अपडेट की थी, तो मुझे कहीं ना कहीं शक था कि लड्डू को डिस्टेम्पर या कोई ऐसी बीमारी ना हो, तो मैं लड्डू को तुरंत कुरुक्षेत्रा लेके गई थी चेकअप के लिए। और इसका मैं डिस्टेम्पर का चेकअप भी करवा के आई हूँ, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को है कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो मेरा जोजो बेबी था, जोजो को स्टार्टिंग भी ऐसे हुई थी, तो मेरे को सिम्टम्स थोड़े से सेम लगे, इसलिए मैंने फटाफट लड्डू का चेकअप करवाया। क्योंकि इतना सुंदर है देखना यार, मतलब इतना दुख लगता है कि गलती से भी इनको कुछ ना हो। सो मैंने भी इसको थोड़ा सेपरेट रखा इधर, कि एक दो दिन मैं इसको देख लूँ क्या सीन रहता है, क्योंकि मेरे को शक है कि अगर भगवान ना करे
क्योंकि वही बात है ना, देखो एक घर है ना, ये हमारा शेल्टर नहीं है, तो मेरे को ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मैं किस बच्चे को कहाँ रखूँ, किस बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि एक से दूसरे में इन्फेक्शन ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने वीडियो हाँ ये ऐसे करता है, ये जैसे लिटर लिटर रोता है, फिर इसके मुँह ना दांत टक टक करते हैं, फिर झाग आती है मुँह में से, तो मेरे को शक पड़ा, मैं इसका चेकअप करवा के हूँ, चेकअप नेगेटिव आया, बट फिर भी मैं पूरा ध्यान रखूँगी। यही अपडेट देने के लिए मैं अभी के लिए लाइव आई हूँ। बेड वगैरह रखा हुआ है इसको, तो बाकी सेपरेट रखा है थोड़ा सा कि और बच्चों को दिक्कत ना हो। एंड नीचे वो सारे बच्चे सो रहे हैं उधर गली में, देख रहे हो आप, पता नहीं किसका क्या बैग उठा के लाया, फाड़ फूड के रखा हुआ है वहाँ पे। माइकल आ, वे माइकल जा रहा कर, टिंगी तुमने जाना नहीं, इधर तुमने उधर नहीं जाना, मैं चप्पल पर रख देती हूँ। डुगू भी आ गए, मायके गया हुआ था ये, मायके के सोरे सोरे गया सी अपने, सब भी आ गए, ये जा रहा फिर आ गया ऊपर, क्योंकि इसको बोए की आवाज़ आ गई थी दोबारा, जेड़े ने पुल बनाया ना बेचे थे। तो अभी मैं लाइव कर रही हूँ एंड, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी जितनी बड़े डॉग्स की टीम है ना, जितनी बड़ी टीम है मेरी आर्मी, सारी इस दरवाजे के पीछे है। मैं अभी उधर जाना नहीं चाह रही, मैं गई तो समझो मैं गई, इसलिए मैं कल प्रॉपर लाइव आऊँगी। अभी मैं लाइव सिर्फ आई थी अब आप सबको वो पग डॉग के बारे में अपडेट देने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सुबह से मैं बहुत बिजी थी, क्योंकि क्या कहते हैं अपना और भी बहुत से काम होते हैं, डॉक्टर भी लेके जाना लेके आना, बहुत सी जिम्मेवारी होती है जो मैं कभी आपको बता नहीं सकती, लेकिन पूरी भी हमने करनी है। मैंने पता क्या सोचा है, ये जो ये वाली ग्रिल है ना, ये सबसे लास्ट में है, सेम ऐसी ग्रिल ना हम नीचे भी लगवा देंगे, जिससे गलती से भी किसी भी डॉग के गिरने का खतरा कम हो। अब जो पग डॉग आई है ना ब्लाइंड, मैं उसको यहाँ बाहर नहीं छोड़ सकती, समझ रहे हो, लड्डू को भी नहीं यहाँ छोड़ सकती क्योंकि लड्डू ठीक नहीं है, इसलिए ना बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस बच्चे को कहाँ रखना है। ये कल परसों मैं ट्राई करूँगी कि ये वाली जो लास्ट वाली ये वाली ग्रिल है ना, ऐसी नीचे लगवा दूँ जिससे कोई भी बच्चा गिर ही ना पाए। लड्डू का अपडेट भी दूंगी, बाकी कल बच्चों के बारे में अपडेट देती हूँ। सारे बैठे हुए हैं अभी, ये टिंगी बैठा हुआ है, टिंगी ब्राउनी इतनी कमीनी है ना, सच्चे में खून पी लेता है सारा मेरा। नहीं सुंदर लड़की, रुक जो मैं दिखाती हूँ इसको, अखा गिड़े सोनी आई दी, खड़ जो, नहीं जोई, नहीं जोई, नहीं मेरा बच्चा जोई, जोई 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 की पूछ चल देख लो, सप वर की पूछ दी, जोई 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 जोई, बस कर हूँ, बस पुत्र बस, बोच कर बच कर, ब्राउनी टिंगू चलो जी बाय बाय। बाकी मैं तुहाडे नाल ना बड़िया सारिया गल्लां करनियां ने, बड़े लोगों ने मैनू मेहने मारे ने, सारे मेहने ना मैं कापी ते लिख के ना फिर तुहाडे नाल कल परसों लाइव आवांगे ते सारे मैं डिस्कस करांगे, मैनू बड़े गिले शिकवे ने, कोई मेरे मूँह बारे गल्लां करदे भरावा, जो इन्ने कुत्तियां दी सांभ करो ना, ते तुहानूं पता कई बार डॉग नेल्स भी मार देंदे ने मूँह ते, सो मैं ते अपनी पूरी बॉडी खराब कर ली कि ते नेल्स कि ते कुछ, सो प्लीज़ एवें किसी दे ना मुँह या फेस नू या बॉडी नू वेख के जज ना करया करो, अगले का दिल वेख्या करो कि वह की करता है, क्योंकि जवानी या रंग रूप सब कुछ ढल जाना थोड़े टाइम तक, सो इस करके चंगे काम करो, जो अज तक तुसी स्टार्ट नहीं किए तो तुसी भी कर लो। मैं मेडिसिन का नाम जो स्प्रे और साबुन है दोनों मैं कमेंट सेक्शन में मैंशन कर दूँगी। अभी के लिए बाय बाय, मिलने कल परसों, तो मैं लाइव आके मेरे बड़े सारे लम्हे ने मैं तुहानू दसने ने, पूछ लेख ला दी, जोई नी जोई बच्चा जी नी जोई जोई पूछ जोई जोई जूली आवाजा मारन डी है, जूली आ गए आप, जूली 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 आ जा, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, इधर 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे 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 नहीं आगे नहीं आगे आगे आगे, जूली आ गई जूली आ गई आगे आगे, सियाणी पुत्र आ गई यार, वेखी एक दिन च ना किन्ने किन्ने बेचारे समझ हो जाती ना इन्हों, हजे इन साढ़े कल आए 24 घंटे होए ने, 24 घंटे बेचारी 12 घंटे का ट्रीटमेंट कराती रही है ना, किन्नी समझ हो गई, तो एक दिन के बच्ची की पूरी शक्ल बदल गई है। अगर थोड़ा जहा प्यार थोड़ी जी केयर इन्हों मिल जाए तो लखा बेजबान इंसान ठीक हो जाए, जे लोग अपने माँ प्यो वृद्धा आश्रम छड़ के आते हैं ना, वो तो छड़ के आने की बजाय माड़ी मोटी सेवा कर लिया करो।
ठीक है, तो मैं लाइव कर लगी एंड, ते आप मिलने कल परसों। बाय जूली, बाय नी, बाय।